नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज हम सरकार के नुमाइंदों की वो तस्वीरें दिखाएंगे जिससे कि सरकार को पता चले कि इस सर्द रातों में गरीबों का दर्द क्या होता है। जहां आज उनके सरकारी नुमाइंदों ने गरीब के आशियाने में बुलडोजर चलाकर इस सर्द रातों में घर से बेघर कर दिया। अपने घर में बुलडोजर चलता देख बुजुर्ग की नाबालिग बेटी अधिकारियों से गुहार लगाती रही कि साहब हमारा मकान मत तोड़ो, लेकिन सरकारी नुमाइंदों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस बुजुर्ग और उसकी नाबालिग बेटी के आंसुओं को दरकिनार करते हुए अधिकारी उसके मकान पर बुलडोजर चलाते रहे। यह तस्वीर किसी और देश की नहीं बल्कि यह हमारे ही देश के उत्तर प्रदेश जनपद कानपुर देहात मूसानगर पंचायत की है, जहां 40 साल से बुजुर्ग अपने परिवार के साथ कच्चा मकान बनाकर अपने परिवार के साथ रह रहा था। जहां आज सदर एसडीएम भोगनीपुर अजय कुमार राय के नेतृत्व में नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य समेत तहसील प्रशासन के कई कर्मचारियों के सामने बुजुर्ग के मकान में बुलडोजर चलाकर मकान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। मकान टूटता देख बुजुर्ग और उसकी मासूम बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। उनका सिर्फ एक ही कहना था कि अब हम लोग कहाँ रहेंगे। इसके बावजूद भी सरकार के नुमाइंदों को तरस नहीं आया। आपको बता दें कि जहाँ सूबे की योगी सरकार गरीबों को पक्के मकान बनाने को लेकर संकल्पबद्ध है और प्रदेश में हर गरीब व्यक्ति को आवास की सुविधा देने में लगी है, वहीं आज सरकार के संकल्प को उनके अधिकारी नगर विकास का हवाला देते हुए ऐसी सर्द रातों में गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चलाकर गरीब बुजुर्ग और उसकी नाबालिग बेटी को बेघर कर दिया। वही मौके पर सदर एसडीएम भोगनीपुर ने ये मुनासिब नहीं समझा कि यह परिवार अब कहां रहेगा। इंडियन प्राइम न्यूज सूबे की योगी सरकार से पूछना चाहता है कि नगर विकास का हवाला देते हुए आपके अधिकारी गरीब के आशियाने पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो क्या इस सर्द रातों में आपकी सरकार इस बुजुर्ग और उसके नाबालिग बेटी को मकान के बदले मकान दे पाएगी, या यूं ही सर्द रातों में यह परिवार दर दर भटकता रहेगा। सूबे की योगी सरकार को आईना दिखाती या कुछ खास तस्वीरें जो गरीब का दर्द बयां कर रही हैं। देखिए आप इस स्पेशल खबर को इंडियन प्राइम न्यूज पर जंग बहादुर सिंह के साथ। कहां के रहने वाले? जिला हमीरपुर। क्या घटना हो गई, क्या समस्या है? हमारा ये मकान मतलब जबरदस्ती गिराया गया। किस आधार पर, किस जगह पर मकान बना था? ये हमें प्रधानों ने दी थी। कब दिया गया था आपको? ये आते हम 40 साल हो गए हमको रहते रहते इसमें। इस पर कोई लिखा पड़ी है आपको? कुछ नहीं, जैसे प्रधानों ने सबको बना दिया, दे दिया उसे, हमको भी दे दिया उन्होंने। किस आधार पर आपका मकान गिराया गया? वो यहाँ कह रहे हम ऑफिस बनाएंगे, ये बंजा रहे, ये वो है, बरगला के हमको। किस तरह से आपका मकान जो है गिराया जा रहा है? ये अब जबरदस्ती ढाया जा रहा है। कौन अधिकारी आए थे यहाँ? एसडीएम साहब थे और वो नगर पंचायत के अधिकारी थे। वो किनके आदेश अनुसार ये गिराया गया है आपका मकान? अब ये हमें मालूम नहीं है किसके। क्या किसी ने शिकायत की थी आपके जो मकान बना है उसकी जगह को लेकर? नहीं, किसी ने शिकायत नहीं की हमारी, पूरे गांव ने नहीं शिकायत की है। पहले आपको जानकारी दी थी इन्होंने? नहीं, हमें नहीं दी गई। हम न रहने पे एक हमारे यहाँ कागज चिपका गए थे, हम न पढ़े न लिखे, नोटिस लगा करके, और आज जो है जेसीबी से अपना जो है मकान गिरा दिया। अच्छा, अब आप कहाँ रहेंगे? हम कहीं नहीं, ये रोड में। जैसे कि आप रोड पे आ गए हैं, इसके आप नाखुश हैं, इसके ऊपर आप अधिकारियों से क्या कुछ गुहार लगाने की क्या इच्छुक हैं? अरे कहे नहीं करेंगे।